आज आप लोगों को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के बारे में बताऊंगी। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में PID भी कहते हैं। PID फीमेल में होने वाली, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होने वाली एक प्रकार की डिजीज़ होती है और यह बैक्टीरिया के कारण होती है, जो वेजाइना के थ्रू बैक्टीरिया एंटर करता है यूट्रस में, और इसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो फीमेल होती है वो प्रेगनेंसी कंस्यूम नहीं कर पाती है, और भी बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आइए हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन: पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर PID इज एन इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शन कंडीशन ऑफ पेल्विक केविटी। पेल्विक केविटी में, पेल्विक केविटी के इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्शन वाले, इन्फेक्शन की जो कंडीशन होती है उसको PID या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं। इसके कुछ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि PID पॉलीमाइक्रोबियल कॉज बाय सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन। सेकेंड, नाइजीरिया गोनोरिया। थर्ड है क्लेमाइडिया ट्रेकोमोमेटिस, और द मोस्ट कॉमन कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ PID। एंड फोर्थ है ट्रेपोनामा पेलिडम। फिफ्थ है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस एंड पायोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेफिलोकोकस, स्ट्रेफिलोकोकाई एंड ई कोलाई। ठीक है, अब हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके द्वारा ये PID के डिजीज होती है। अब इसके हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD की कंडीशन होती है इसमें और प्रेजेंट होती है, और PID की प्रीवियस हिस्ट्री यदि हो, प्रीवियस हिस्ट्री होती है तो भी इसमें रिस्क फैक्टर है कि ये PID होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा सेक्सुअली एक्टिव टीनेजर, ठीक है, और थर्ड है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, और है फोर्थ IUD। IUD मतलब जो गर्भ निरोधन के लिए जो जो भी साधनों का, जो भी गर्भ धारण को रोकने के लिए जो भी मेथड यूज का किए जाते हैं, IUD इंट्रायूटराइन डिवाइस जो भी है वो इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अब हम इसके पैथोजेनिक ऑफ PID की बात करते हैं। तो जिस तरीके से अब हम डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं, ये एक यूट्रस ड्रॉ किया हुआ है हमने, और इसमें जो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ से एंटर करते हैं इसमें, बाय वेजाइना। तो फर्स्टली हम देखेंगे जैसे STD कॉसिंग बैक्टीरिया में एंटर वेजाइना विद सीमन, ठीक है। सेकेंड देखेंगे यहाँ से, ये यूट्रस है, तो सेकेंड बैक्टीरिया मे पास थ्रू सर्विक्स एंड एंटर यूट्रस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड, बैक्टीरिया एंटर फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज विच कैन बिकम इन्फेक्टेड, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, इन्फेक्शन कैन लीव फैलोपियन ट्यूब एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। इसमें STD कॉजिंग बैक्टीरिया में भी एंटर वेजाइना के थ्रू जो बैक्टीरिया एंटर किया है और फिर ये यूट्रस में गया, यूट्रस से होके ये फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब से ओवरी से ये, यहाँ से ये पेल्विक के जो भी बॉडी पार्ट्स से अलग, जो भी बॉडी पार्ट्स में ये स्प्रेड करेगा,
ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो ऐसे फैलता है, ठीक है, इस तरीके से ये फैलता है। अब हम इसकी कौन से पार्ट में, यदि अलग अलग पार्ट्स में जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं, तो अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से हम उसको अलग अलग डिजीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यदि मान लो सर्विक्स में इन्फेक्शन है, ठीक है, सर्विक्स, यदि ये सर्विक्स में इन्फेक्शन है तो इसे हम सर्विसाइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्विसाइटिस, ठीक है, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है सर्विक्स में, तो हम इसे सर्विसाइटिस कहेंगे। सेकंड, यूट्रस में, यूट्रस में यदि यूट्रस में बीच में यहाँ पे यूट्रस वाले भाग में इन्फेक्शन है तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्राइटिस। सर्विक्स जो यूट्रस के इंटरनल यहाँ पे अगर इन्फेक्शन है ये वाले पार्ट में, तो इसको एंडोमेट्राइटिस कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब मतलब ये, ठीक है, ये है इसका फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है। अगर फैलोपियन ट्यूब में इसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे सेल्फिनजाइटिस। क्या कहेंगे? सेल्फिनजाइटिस। इसके अलावा अगर ओवरी में, ये ओवरी है, ये ओवरी है, अगर ओवरी में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इसको ओफोराइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ओफोराइटिस, ठीक है। इस प्रकार से अगर अलग अलग पार्ट्स में हमने इसको नाम दिया गया है, सर्विक्स से होने वाले इन्फेक्शन को सर्विसाइटिस, यूट्रस में एंडोमेट्राइटिस, फेलोपियन ट्यूब में यदि इन्फेक्शन है तो उसको सेल्फिनजाइटिस, और ओवरी में यदि इन्फेक्शन है तो उसको ओफोराइटिस कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एंटर हुआ इन्फेक्शन और ये पूरे यूट्रस में फैल गया, इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। पीआईडी कैन बी सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक, ठीक है। इसके जो जो पीआईडी होता है वो सिम्टोमेटिक भी होता है और असिम्टोमेटिक भी होता है। सेकंड, वेजाइनल डिस्चार्ज, इसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो फाउल होती, बेड स्मेल होती है, ठीक है। दूसरा, डिस्पेरिनूरिया, डिस्पेरिनूरिया मतलब जो इंटरकोर्स के समय में पेन होता है इसमें, ठीक है। और फोर्थ है लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल निचले एब्डोमिनल के निचले वाले भाग में पेन होगा और ये पेन माइल्ड भी हो सकता है, मोल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस, जो एब्डोमिन है उसके निचले वाले भाग में टेंडरनेस होगी। फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं होगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन यदि बढ़ जाता है तो फीवर आएंगे, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होने लगेगी उसको और हेडेक होने लगेगा। इस प्रकार के उसको जो साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। और यदि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत तेज फीवर रहने लगता है, बहुत ये जो कंडीशन है वेजाइनल डिस्चार्ज है, ब्लडिंग है, ब्लडिंग भी हो सकती है इसमें, और लोअर एब्डोमिनल पेन, ये जो कंडीशन है। इसके अलावा यदि फीवर, एनोरेक्सिया, नोसिया, यदि ये कंडीशन होने लगती है तो फिर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। यदि इसका समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कि जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत आने लगती है और यूट्रस में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। इसके अब हम करते हैं डायग्नोस्टिक के पास, डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम उससे पूछेंगे, पहले आपको पीआईडी की शिकायत थी क्या, कोई एसटीडी डिजीज थी क्या, इस प्रकार से उसको हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे आप। उसके बाद में सारी जानकारी उससे लेंगे और उसके बाद फिजिकल इवॉल्यूशन, फिजिकल इवॉल्यूशन करेंगे।
और उसके बाद हम फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या देखते हैं, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसका ESR, WBC, ESR उसका बढ़ा हुआ होगा, WBC भी बढ़ा हुआ होगा, यूरिन कल्चर देखेंगे उसका, फिर सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ वेजाइनल एंड सर्वाइकल सिक्रेशन का सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, और इसके बाद में हम उसके एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेने के बाद उसका लेप्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। तो ये उसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में हम फर्स्ट देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एरिथ्रोमाइसिन देंगे 500 mg पर डे 4 times, प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg पर डे 4 times, 7 to 40 days तक देंगे। इसके बाद एनोरोबिक कवरेज के लिए हम देंगे टेबलेट मेट्रोनिटाजोल 400 mg BD डेली ओरली, ठीक है। इसके बाद यदि ओरली मेडिसिन देने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, इफ़ पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी, सी विल बी एडवाइस बी हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटल में एडमिट करने की सलाह देंगे। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हम उसको क्या देते हैं, जैसे एनाल्जेसिक देंगे पेन को कम करने के लिए फर्स्टली, सेकेंड IV फ्लूड स्टार्ट करेंगे, थर्ड उसको इंजेक्शन सिफोटेक्सिन देंगे 2 ग्राम IV 6 hourly फॉर 3 days के लिए, और उसको देंगे मेट्रोनिटाजोल 500 mg DDS, ठीक है। इन मेडिसिन देने के बाद अदर मैनेजमेंट हम करेंगे उसका। अदर मैनेजमेंट में हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट टू लोअर एब्डोमेन, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड सिट्स बाथ टू इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड डिक्रीज पेन, सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा सिट्स बाथ देने से और उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा। थर्ड उसको बेड रेस्ट करने की सलाह देंगे, ठीक है। ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। अब इसके बाद हम करेंगे देंगे उसको सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में लेप्रोटोमी क्या इंडिकेट करता है, जैसे कि सर्जरी इज इंडिकेटेड फॉर एब्सेस, ठीक है। सेकेंड हिस्टेरेक्टोमी में हम यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं पूरा, इसमें टोटल हिस्टेरेक्टोमी होता है, टोटल यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो ये होता है ये किस कंडीशन में, इन एक्सट्रीमली एक्सट्रीम केस ऑफ इन्फेक्शन एंड सीवियर पेन के कंडीशन में होता है, करना पड़ता है, सारे यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको नर्सिंग मैनेजमेंट करना होता है। तो इसमें न्यूट्रिशनल लेवल पेशेंट का चेक करना होता है, एंजाइटी दूर करनी होती है उसकी, फियर दूर करना होता है, और उसके जो उसमें होने वाले पेशेंट में होने वाले जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है उसको रेगुलरली ऑब्जर्व करना होता है। पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, जनरल हेल्थ स्टेटस वॉच करना होता है डेली, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट है इसका, जैसे रिकरेंट PID हो सकता है, रप्चर उसके एब्सेस हो सकते हैं, क्रोनिक लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होगा, जैसे जो अगर मान लो उसके फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यदि कम भी है जैसे माइल्ड इन्फेक्शन भी है एक्टोपिक फैलोपियन ट्यूब में, यदि माइल्ड इन्फेक्शन भी है तो क्या होता है, उसमें जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज जो ओवम होता है फर्टिलाइज तो हो जाता है, किंतु जब वो एम्ब्रायो जो वापस यूट्रस में डेवलपमेंट के लिए वापस जाता है तो वो जो फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लामेशन होता है, तो जिसके कारण कि जो फर्टिलाइज ओम होता है एम्ब्रायो, जो फर्टिलाइज ओम होता है वो यूट्रस में वापस नहीं जा पाता, जिसके कारण कि वो वहीं रह जाता है, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, और इस प्रकार की जो प्रेगनेंसी होती है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। फिफ्थ है इनफर्टिलिटी। अब ओवरी में यदि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है
तो क्या होगा, वो बन नहीं पाएंगे, और यदि बनेंगे भी तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इस कारण से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ये क्या है इसके कॉम्प्लिकेशन। अब अभी हमने आप लोगों को बताया पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के बारे में। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ क्या है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ एक फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होने वाली एक डिजीज़ होती है, जो ये फेलोपियन ट्यूब में हो सकती है, ओवरी में हो सकती है, यूट्रस में हो सकती है, सर्विस में हो सकती है। तो ये इस प्रकार का होने वाला जो भी इन्फेक्शन होता है वो पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहलाता है। इसके कॉजेस हमने बताया कि जैसे नाइजीरिया गोनोरिया है, क्लैमाइडिया है, ट्रिकोमोनिटिस है, ट्रिपेनोमेलिडम है, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, स्टेफिलोकोकस है, इशिरिया कोलाई है। ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिजीज होती है। इसके रिस्क फैक्टर बताया हमने, रिस्क फैक्टर जैसे कि टीनेजर फीमेल में होता है ये, और सेक्सुअल एक्टिविटी जो टीनेजर्स होती है उनमें होता है, और मल्टीपल जो पार्टनर्स होते हैं ये, और आईओडी जो यूज़ करती महिलाएं उनमें ये रिस्क फैक्टर उनके लिए ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हमने अभी इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो बताया। साइन एंड सिम्टम्स में हमने बताया जैसे कि लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, और डिस्चार्ज होगा, डिस्मेन्यूरिया होगा, ठीक है, और इसके अलावा टेंडरनेस होगा लोअर एब्डोमेन में, टेम्परेचर होगा, WBC बढ़ जाएंगे, और फीवर आएगा, डिजीनेस, चक्कर, ये सब इसमें, नोसिया, वोमिटिंग, इस प्रकार हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स बताए। इसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन बताया। इन्वेस्टिगेशन में TLC, DLC, SR, सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI, ठीक है, ये बताया। इसके बाद हमने इसका मैनेजमेंट बताया। मैनेजमेंट में पैथोफिजियोलॉजी बताया। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हमने मैनेजमेंट बताया। मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट बताया, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में लेप्रोस्कोपी बताया, हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके कॉम्प्लिकेशन बताया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।